उत्तर प्रदेश के राज्यसभा चुनाव में बीजेपी अपने 8 उम्मीदवारों की जीत से उत्साहित है। राज्यसभा के लिए नवनिर्वाचित बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी से लेकर आरपीएन सिंह तक ने कहा कि प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है और सूबे की सभी 80 लोकसभा सीटों पर बीजेपी की जीत होगी। पीएम मोदी ने देश भर में बीजेपी की 370 और एनडीए की 400 पार सीटों का टारगेट सेट किया। यूपी में क्लीन स्वीप किए बिना ये हासिल नहीं किया जा सकता। कहा जाता है कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है, क्योंकि लोकसभा की सबसे ज्यादा 80 सीटें यूपी में हैं। बीजेपी का 2024 में पूरा फोकस यूपी पर है, क्योंकि दो बार से दो तिहाई सीटें जीतकर सत्ता अपने नाम की थी। मिशन 80 को हासिल करने के लिए वो सियासी बिसात बिछाने में जुटी है और इसके लिए बीजेपी अपने कमजोर कड़ी को मजबूत करने में जुट गई है, जिसके लिए पूर्वांचल से पश्चिम यूपी तक सियासी समीकरण को दुरुस्त किया है। ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान की वापसी कराकर पूर्वांचल और आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी से गठबंधन कर पश्चिमी यूपी में सपा को झटका दिया। राज्यसभा के चुनाव में सपा के 8 विधायकों को बीजेपी ने अपने पाले में खड़ा करके 2022 में हुए नुकसान का हिसाब बराबर करने के साथ 2024 के लोकसभा चुनाव में सभी 80 की 80 सीटें जीतने की पटकथा लिखी है। वहीं राज्यसभा चुनाव के जरिए बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के समीकरण को दुरुस्त करने का दांव चला। बीजेपी ने सपा के जिन विधायकों को अपने खेमे में लिया है, उसमें मनोज पांडे रायबरेली के ऊंचाहार से विधायक हैं, जबकि राकेश प्रताप सिंह अमेठी के गौरीगंज से विधायक हैं। इसके अलावा राज्यसभा चुनाव में गैरहाजिर रही महारानी देवी अमेठी से सपा विधायक हैं। इस तरह से गांधी परिवार के गढ़ अमेठी पर बीजेपी अपना कब्जा जमा चुकी है और रायबरेली में कांग्रेस का कब्जा है। बीजेपी इस बार दोनों ही सीटों को जीतने की कोशिश में है।